आज की ये शाम ये उस हस्ती के नाम जिसने अभी चंद रोज पहले हमसे बिछड़ गए और वो एक ऐसे फनकार जिनका काम एक सदी पर मोहित है। नदी सिंह साहब वो आज हम में नहीं है लेकिन वो हमेशा रहेंगे। गजल गायकी में जो नाम जो मुकाम नदी सिंह साहब ने इस सिंफ को दिया है, इस आर्ट फॉर्म को दिया है, बड़े सगीर में ना इससे पहले थे ना इससे आगे कोई नजर आ रहे हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिनकी गायकी को हमारी ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड इंटेग्रिटी हमारी कोशिश है कि हम उनके इस फन को, इस बहते हुए चश्मे को और ये गर्म पानी का चश्मा इसका रास्ता बनाते रहें और इसकी हरारत को कायम रखें ताकि मेहदी हसन साहब का नाम भी रहती दुनिया तक कायम रहे और गज़ल गायकी जो वो गाते थे और जिस तरह वो गाते थे सुरों में और सुरों के साथ साथ लफ्ज़ों की अदायगी और उसके माने और उसका लहजा उसकी तलफ़ ये सब रहती है संसार का खासा ये हमारी नई जनरेशन तक पहुँचे उनमें शौक पैदा हो और फिर एक और मेहदी हसन पैदा हो। मेहदी हसन साहब के बहुत से शब्द आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं लाहौर आर्ट काउंसिल का भी शुक्रिया अदा करूंगा और बिहाफ ऑफ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स और हमने फौरी तौर पे हमने ये मेहदी हसन साहब का हमने अभी चंद रोज़ हुए हैं हम चाहते हैं कि ये आगे आगे इसी तरह से ये एक कंटिन्यू रहे। हम इंशाल्लाह इसके बाद कराची में भी करेंगे मेहदी साहब के नाम और इस्लामाबाद में भी करेंगे और दूसरे शहरों में भी करेंगे और बाकी इदारों को भी है कि वो मेहदी साहब के लिए इस तरह की शामें और इनका इनाकात करें और बेसिक मकसद इसका ये है कि हम मेहदी साहब के फ़न को उठाए रखें। हम उनको उनके उनके वही बात है कि उस चश्मे के पानी की जो गर्माइश है उस गर्म चश्मे का पानी कभी ठंडा ना हो पाए उसकी हरारत को हमेशा हम पाए। मैं आप में से किसी भाई को बुलाऊंगा यहाँ से वो आ जाए यहाँ पे और हम सब मिलके उनके लिए दुआ करते हैं। आइए आप में से कोई भी आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम हजरात अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और तीन दफ़ा कुल शरीफ और एक दफ़ा रहम शरीफ पढ़ लें। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر بحرمة نبي آخر الزمان وصلى الله تعالى على رسول الله محمد وآله وصحبه جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی شام شہنشاہ موسیقی
और शहनशाह गजल मेहदी हसन के नाम है। ऐसे फनकार जिनसे सुरों ने बिखरना और दिलों में उतरना सीखा, वो खूबसूरत शख्सियत जिसने खूबखू अपनी बात को फैलाया और खुशबू की तरह अपनी पजीराई करवाकर वो इस दुनिया से चले गए। जिस फनकार का हमने इंतखाब किया है बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक, खूबसूरत लबो लहजा रखते हैं और खास बात यह है कि शागिर्द हैं मेहदी हसन साहब के और उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के फॉलोवर, उन्हीं के अंदाज में गजल को नया रंग देने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आज वो हमें मेहदी हसन साहब के कौन सी गजल सुनाते हैं। तो इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रहे फरुख मेहदी। आप सबकी इजाजत से हाँ सबकी गजल की कोशिश करता हूँ, उनके शागिर्द होने के नाते वैसा तो नहीं कर सकते लेकिन कोशिश है आपकी इजाजत से। जिंदगी
अब मैं अगली जो अपनी जिम्मेदारी है वो पूरी करूंगी और इन जो अनमोल शख्सियात हमारे साथ आज मौजूद हैं उनमें दूसरी हमारे साथ जो फनकारा मौजूद हैं वो दुनिया मौसीकी में बड़ी तेज़ी से अपना नाम और मुकाम बनाने वाली ये फनकारा पूरी महारत और गीत नज़्म और गज़ल गाती हैं। फीमेल सिंगर्स हैं वो गज़ल की तरफ नहीं आती, लेकिन ये खूबसूरत फनकारा जिसने गज़ल ही में अपना नाम और मकाम पैदा किया है, तो आपकी पुरजोश तालियों में तशरीफ ला रही है निदा फैज जी। आप सबकी इजाजत के साथ मेरे सीनियर से बैठे हैं, आप सबकी इजाजत के साथ है।
रात फैली है तेरे सुरमैया चल किन तरह रात शागिर्दों ने गजल गायकी में अपना नाम और मुकाम बनाया है, उनमें आसिफ जावेद का नाम भी नुमाया है और वो अपने फन का जादू जगाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। आसिफ जावेद Yeah.
यकीन करें तौकीर नासर साहब ने ये जो पाकिस्तान भर में ये जो काम किया है बहुत, और ये पुरानी यादें जो हैं वो अभी तक ताज़गी बख्शती हैं, और अल्लाह की रहमत है कि इतना अच्छा प्रोग्राम के दिल को सुकून किया। मेहदी हसन एक ऐसे फनकार थे जिनका हर कोई चाहने वाला भी है और उनका एतराफ़ भी करता है, उनके फ़न का दिल दादा भी है, और हमारे इदारों का काम भी यही है कि उन्होंने जो विरसा छोड़ा है उसको आगे लेके भी चलें। और ये एक अच्छी कावश है कि जो नए हमारे गज़ल गो गायक हैं उनकी हौसला अफजाई भी की जा रही है, और ये खला तो पुर नहीं होगा लेकिन एक कोशिश है जिसको जारी रहना चाहिए। मेहदी हसन साहब हमेशा ज़िंदा रहेंगे क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एंड वो हमारे जैसे इदारों की जिम्मेदारी है। मैं इसमें अलहमरा आर्ट काउंसिल का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें हमारे साथ ये तआवुन किया और ये हम कर पाए, और फिर लाहौर के लोगों का भी एक ज़ौक और शौक़ देखिए कि आज
इस सूरत हाल में मतलब आपको देखें कि सीट नहीं थी बैठने की हॉल में, तो गज़ल को सुनने वाले भी हैं। अब इनको वो गज़ल गायकी जो मेहदी साहब ने जिस उरूज पे पहुंचाई है, उस उरूज को हम चाहते हैं कि नई नस्ल में वो ट्रांसफॉर्म हो सके और उनके जो गर्म पानी का चश्मा मेहदी साहब के नाम से फूटा है, उसकी उस पानी की हरारत भी कायम रहे और उससे बहुत से छोटे छोटे चश्मे फूट पड़े। यही हमारी ख्वाहिश है और यही कोशिश है।